क्वेश्चन नंबर 22। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये क्या कह रहा है, कोई एक रिवर है, देखो सपोज करो ये रिवर है, ठीक है, ये एक रिवर है, ये एक रिवर के ऊपर पुल है, क्लियर। इस पुल पे एक पॉइंट है कोई, और ये रिवर के दोनों साइड में, दोनों बैंक रिवर के दोनों किनारे, ये रिवर है ना ऐसे जा रही है, मतलब यूं मानो आप, ठीक है ना, ऐसे, और उसके ऊपर ब्रिज ऐसे, क्लियर। तो ये कह रहा है कि 30 और 45, एक तो है 45 और एक साइड है 30 डिग्री, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से बनते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। और रिवर की हाइट कह रहा है, इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 4 मीटर, ये फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर फ्रॉम द बैंक, यानी ये पॉइंट कह सकते हैं अपन ऐसे, ये 4 मीटर है, तो हमें 90 डिग्री एंगल चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो ये भी 4 ही होगा, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया। अब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ए बी सी डी, ये नाम दे देते हैं इनको, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, ई एफ एंगल ई ए बी, ये वाला 45 इक्वल एंगल ए बी सी इक्वल 45 डिग्री, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड की शेप बन रही, देखिए सेकंड स्टेप ये वाला एफ ए डी, एंगल एफ ए डी इक्वल ए डी सी इक्वल 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये चीज़ हो गई गिवन, ठीक है। अब ये 4 मीटर हमें दी हुई है, ठीक है, ये 4 मीटर थी तो ये भी 4 मीटर होगी, और इसको हम मान लेते हैं एक्स और इसको हम मान लेते हैं वाई, रिवर की विड्थ निकालनी है, रिवर की विड्थ है एक्स प्लस वाई, दोनों एक्स और वाई दोनों को मिलाकर जितनी होती है वो रिवर की विड्थ या ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए पहले इन ट्रायंगल कौन सा लें, ए बी सी, यहां पे दिया हुआ है थीटा एंगल, तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी यानी 4, और ये बेस, तो इन ट्रायंगल ए बी सी टेन कितना है, 45 है, देखो टेन 45 आ गया, मतलब एकदम क्लियर है, जितना परपेंडिकुलर उतना ही बेस होगा, परपेंडिकुलर 4 है तो बेस भी 4 ही होगा, एबीसी का क्वेश्चन आता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आता है, तो उसमें सीधा आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। 1045 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 1045 की वैल्यू होती है 1, परपेंडिकुलर है 4 मीटर और बेस है वाई, 1/1 लिख लेते हैं, वाई इक्वल 4 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 नंबर भी है, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल पे आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ये 1030 है, 1030 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल परपेंडिकुलर, इसमें भी 4 है, बेस इसमें हो गया x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स 4√3 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, हमें क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ निकालनी है, विड्थ ऑफ ए रिवर, विड्थ ऑफ ए रिवर क्या है, x प्लस वाई, x कितना था 4√3 और y कितना है 4√3 + 4, दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1
रूट थ्री प्लस वन इक्वल, रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है 1.732 प्लस वन इक्वल 4 इंटू वन प्लस वन 2.732 इक्वल, मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 2 8, 4 3 12 का 2, 1 कैरी, 4 7 28 और 129 का 9, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10, 10.928 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, ए मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। एक शिप है और उसका डेक है, वहां पर एक आदमी है जो उसे 10 मीटर अबव लेवल है वाटर लेवल से। ही ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 60 डिग्री। उसके सामने एक हिल है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30, और उसी हिल के बेस का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, शिप से हिल की डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द हिल, और हिल की हाइट फाइंड आउट करनी। देखिए डायग्राम बनाना है, डायग्राम सही बनना चाहिए। ए मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप इज 10 मीटर अबव, ये मान लिया ये शिप है, यहाँ पर मैन है, ये 10 मीटर पे है, ठीक है। इसके सामने एक हिल है, दिस इज द हिल, ये एक हिल है, यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, टॉप से एंगल हॉरिजेंटल पे बनेगा, ठीक है ना, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। और यहीं से हिल के बेस पे एक एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, वो 30 डिग्री का बन गया, और एक ये आपस में जुड़ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाम लिख लेते हैं पहले, ए बी सी डी एंड ई। हमें जो दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है, तो ये 10 मीटर है तो डेफिनेट बात है ये भी 10 मीटर होगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं एच, ए बी को मान लेते हैं एच, तो ये टोटल हो गई एच प्लस 10 मीटर हाइट ऑफ द हिल, ठीक है ना। एक हमें डी सी फाइंड आउट करनी है, जो शिप से हिल तक की दूरी, इसको हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स, ठीक है। एक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री का होगा, बिकॉज क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल्स है और ये एंगल जेड की शेप में बन रहा है, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, लेट हमने माना क्या क्या है, एक तो ये ए बी माना है, ए बी इक्वल एच, एच मीटर हो गया, ठीक है, एक तो ये माना है, एक डी सी, डी सी इक्वल एक्स, ये एक्स है, ठीक है। सिंस ई डी इक्वल बी सी इक्वल 10 मीटर, ये ई डी बी सी के बराबर है 10 मीटर पे, ठीक है ना, एंड डी सी इक्वल ई बी इक्वल एक्स मीटर, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है। फिर एंगल ये सी ई बी, सी ई बी इक्वल ई सी डी इक्वल 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्लियर। यहां तक समझ में आ गया, स्टार्ट करें, कोई भी ले लेते हैं, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ई डी ई सी डी ई सी डी ई सी डी, देखिए थीटा 30 डिग्री है और 30 डिग्री के सामने की साइड में होता है परपेंडिकुलर और बेस है एक्स, ठीक है, तो 10 की वैल्यू लगेगी 10 30 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, परपेंडिकुलर है यहां पर 10 मीटर और बेस है एक्स, तो एक्स की वैल्यू होगी 10√3 और 10 × 1.732 भी लिख सकते हैं, और
एक डेसिमल बाद में चला जाएगा, 17.32 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी और है और ये भी और है, ये आंसर आएगा या तो ये और या इसको, ये दोनों आंसर है इसके, 10√3 और 10 × 1.732, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक के बाद चला जाएगा तो 17.32 मीटर हो जाएगा। तो या तो ये आंसर है या ये आंसर है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात आ जाइए, इन ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल ले लें, ये वाला ए बी ई, थीटा यहाँ पर है ई पर 60 डिग्री का, ठीक है। अच्छा देखिए ये है, ये वाला ए बी ई, इसमें ये x, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10√3, ठीक है ना। तो ये 10√3 बेस आ गया और ये h हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी ई कितना है, 10 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 60 की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर है यहाँ पर h और बेस है यहाँ पर x कह दो या 10√3 लिख दो, दोनों लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, h को वन से ये h 10√3 × √3, h इक्वल्स 10 × 3 को 3 से मल्टी, √3 को √3 से किया 3, h इक्वल्स 30 मीटर, h की वैल्यू आ गई 30 मीटर। अब क्या करना है देखिए, हमें हाइट निकालनी है, HEIGHT हाइट ऑफ द हिल, h प्लस 10 मीटर, यही था, h आ गया 30 प्लस 10 मीटर इक्वल 40 मीटर, ये आ गया आंसर, और पहला आंसर हमने निकाल ही लिया 10√3, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय स्ट्रॉन्ग विंड इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, फाइंड एट वॉट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। देखिए एकदम स्पष्ट है, एक ट्री है, देखिए ये ट्री, ये 12 मीटर था, कितना था 12 मीटर, ये कह रहा है कि ये ट्री का एक हिस्सा हुआ, ठीक है, और ये यहाँ से टूट के जमीन पे गिर गया, ठीक है, और ये जमीन से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हमें ये वाली हाइट ज्ञात करनी है कि ट्री जमीन से कितनी दूरी से टूटा, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ए बी सी, इसको मान लेते हैं हम एच, तो ये कितना हो गया, टोटल कितना था 12 में से ये हो गया h, तो ये कितना हुआ 12 - h, समझ आ गया, जैसे ये सपोज करो ये 5 है तो ये क्या आएगा 12 - 5 = 7, क्योंकि 12 था, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट ए बी इज इक्वल टू h, सो ए सी इक्वल 12 - h, इन ट्रेंगल ए बी सी 60 डिग्री का है, देखिए ये क्या है, ये थीटा है, थीटा के सामने साइड परपेंडिकुलर, और ये हो गया 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किस में आता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब साइन 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 है, परपेंडिकुलर कितना है एच और हाइपोटेन्यूस कितना है 12 - h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को h से किया 2h इक्वल √3 × 12 - h, 2h इक्वल √3 की वैल्यू होती है 1.732 × 12 - h, 2h इक्वल 1.732 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 12 × 2 = 24 का 4 2 कैरी, 12 × 3 = 36 36 और 2
38 थ्री कैरी, 12 सेवन जा 84, 84 और 3 87 का 7 8 कैरी, 12 वन जा 12 और 8 20, 20 और डेसिमल लगाना है 1 2 3 के बाद, 20.784 माइनस 1.732 एच, एच वाली साइड एक साइड कर लेते हैं, 2H माइनस 1.732 एच इक्वल 20.784। 2H में से देखिए माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2H प्लस 1.732 एच, 1 है 2 और 1 3.732 एच इक्वल 20.784, एच इक्वल 20.784 अपॉन 3.732। देखिए यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, अब इसको इससे डिवाइड कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ये अपने आप कर लेंगे आप काट के, ठीक है आंसर कितना आएगा काटें, चलिए ट्राई करते हैं, 2 से ही स्टार्ट करें, टू वन ज़ा टू, ज़ीरो का ज़ीरो, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू नाइन ज़ा एटीन, टू टू ज़ा फोर, टू वन ज़ा टू, टू एट ज़ा सिक्सटीन, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व और टू फाइव ज़ा टेन, टू वन ज़ा टू, टू नाइन ज़ा एटीन, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू नाइन ज़ा एटीन, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू थ्री ज़ा सिक्स, अब टू से नहीं कटेगा, 3 3 6 और 9 15, 6 और 9 15, 1 16 और 1, 6 9 15, 1 16, 5 1 6, 6 और 9 15 और 6 21, 3 से कट जाएगा और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 7 3 2 को 311 से डिवाइड करना है, वैसे सभी अपने आप कर सकते हो लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ करके आपको, देखो 1732 को 311 से 5 जा 5 वन जा 5, यहाँ 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 12 में से 5 कट किया 7, 12 में से 5 कट किया फिर 7, 6 में से 5 कट किया 1, 177.0 फिर 5, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 10 में से 5 कट किया 5, 6 में से 5 कट किया 1, 7 में से 5 कट किया 2, 215 फिर 0 लगाया, 3 7 जो 21, 7 नहीं जाएगा, 6 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 10 में से 6 कट किया 4, 4 14 में से 6 कट किया 8, 10 में से 8 कट किया 2, 284 फिर एक 0 लगाया, 9 जा 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 10 में से 9 कट किया 1, 13 में से 9 कट किया 4, 41 इतना बहुत है, 5.569 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर के फुट से होकर जाता है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ये कह रहा है देखिए कि ये टावर है, ये हाईवे है, यहाँ पर एक मैन बैठा है या खड़ा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को, यहाँ एक कार है जो कि ग्राउंड के साथ नहीं है, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है मतलब हॉरिजेंटल हमें लाइन लेनी पड़ेगी यहाँ पे, ये एंगल 30 डिग्री का बनाती है, फिर ये कह रहा है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, वो एक ही स्पीड से आ रही है, 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60, 6 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 से 60 हो जाता है,
ये 60 हो जाता है ऐसे 6 सेकंड के बाद, मतलब उसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। ठीक है, फिर कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय द टाइम टू रीच ए फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर टावर के फुट पे आने पे कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहे हैं। हम मान लेते हैं कि एक्स टाइम लगेगा, ये इसकी हाइट हो गई, ए बी सी और डी ये 4 पॉइंट हो गए, इसको हम ले लेते हैं ई। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले एंगल ई ए डी, ई ए डी इक्वल ए डी सी, ये देखिए ई ए डी ये वाला, ये किसके बराबर है, ए डी सी, ए डी बी कर लो चाहे सी कर लो, इक्वल 30 डिग्री, मीन्स ये भी 30 हो गया। दूसरा ये ई ए सी, ई ए सी इक्वल ये क्या हुआ, ए सी बी, एंगल ए सी बी 60 डिग्री, मीन्स ये हो गया 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड और एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होते हैं, जेड की शेप बनती है, देखिए ये बन रही है इधर से और ये बन रही है इधर से, और पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब बात आती है, हमें ये मान लेते हैं लेट बी सी इक्वल एक्स, ठीक है, और सी डी इट इज़ गिवन 6 सेकंड, ये गिवन है हमें, ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू एच, ये भी लेट कर लेते हैं, ये दोनों मान लेते हैं हमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन ट्रेंगल, इस ट्रेंगल की बात करें पहले, ए बी सी, ए बी सी ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये हाइट है एच और बेस है एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन 10 आ जाएगा, 10 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, 10 60 की वैल्यू होती है रूट 3, परपेंडिकुलर है एच और बेस है एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया, एच इक्वल्स रूट 3 एक्स या एक्स रूट 3, ठीक है, ये आ गया ऐसे, एच की वैल्यू आ गई, मतलब ये आ गया फर्स्ट। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी कंप्लीट वाला, ए बी डी, यहां है 10 30, 10 की वैल्यू कितनी है 30, और पी अपॉन बी सेम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 3 की वैल्यू 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल, पी तो सेम है एच और ये कितना है बी, बी चेंज हो गया, एक्स प्लस 6 हो गया, कितना हो गया एक्स प्लस 6, एच रूट 3 इक्वल एक्स प्लस 6। अब देखिए कौन सी वैल्यू कहाँ रखें, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, एच की वैल्यू रखते हैं किससे लेते हैं, हम इक्वेशन 1 से लेते हैं, देखिए इक्वेशन 2 क्या थी, एक बार दोबारा उतार लेते हैं इसको यहाँ पे, एच रूट 3 इक्वल एक्स प्लस 6, ये इक्वेशन 2 थी, अब एच की वैल्यू है रूट 3 6 रूट 3 एक्स, एच की वैल्यू कितनी है रूट 3 एक्स, तो रूट 3 एक्स इंटू रूट 3 इक्वल एक्स प्लस 6, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 एक्स इक्वल एक्स प्लस 6, 3 एक्स माइनस एक्स इक्वल 6, 2 एक्स इक्वल 6, एक्स इक्वल 6 अपॉन 2, एक्स इक्वल 3 सेकेंड आंसर।